चलने चलने दे 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 चलने इसके बाद दोस्तों मैंने जो है इसका हेड बनवा लिया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार जो है हेड इसका बनाया गया है। मतलब यहाँ पे जो है ना एक मोटी छल्ली, मतलब काटा बहुत गया है अंदर तक। अगर ऐसे ये गैप रह जाएगा ना तो फिर वो निकल जाएगा। तो इसको मैंने अच्छे से धुल लिया, क्योंकि जो काटा जाता है ना हेड, तब उसमें बहुत सी मतलब ऐसे कण रह जाते हैं, तो फिर अगर वो यहाँ पर आ गए तो फिर समस्या। तो ये वाल मिक्स नहीं की जाती, ये देखिए निशान है और ये। तो चलिए मैं इनको, इनका कैप जो है लगा लेता हूँ। चलिए मैं इनके स्प्रिंग कैप जो है नई ले आया था, पूरी पूरा सेट ही नया ले आया था। तो चलिए मैं दोस्तों इनको सेट करता हूँ आराम से, क्योंकि अकेले मतलब फ़ोन नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि अकेले हूँ मैं। तो इसके बाद दोस्तों मैंने इसको अच्छे से जो है सेट कर लिया है, वाले जो है लगा दी हैं। तो चलिए इसको सेट करते हैं। ये लो, इसके बाद इसका जो उंतरू फुंतरू है ये भी लगाते हैं। बाकी हालांकि वही समस्या थी जो मतलब हेड वाली में जो समस्या थी, और बाकी और इंजन जो है चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको सेट करता हूँ। सो इसके बाद मैंने इसका जो पंखी है और ये लगा दिया है, और इसकी पंखी जो है नई डाल दी है। अब इसके बाद इसके जो पुश रॉड हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ कि टेढ़े हैं कि नहीं। नहीं, वैसे टेढ़े नहीं हैं। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाँ ये एक सेकंड, वो जब आप करते लग जाओगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा। ये पड़ चुकी हैं दोनों अच्छे से, आप एक बार चेक कर लें चला के, ये देखिए। सो इसके बाद इसका टैपिट कवर देखते हैं, वाशर वाकर पैकिंग वैकिंग है कि नहीं। हालांकि है पैकिंग, थोड़ा सा इसको साफ करके इसको टाइट करता हूँ। फिर टैपेट कैसे सेट करना है, और फिर नोजल तक तेल पहुँचाते हैं और देखते हैं फिर आगे का। ये जो है नट में तो नहीं, हाँ ये सेट हो गया। चलिए मैं ये नट टाइट करता हूँ, और इसके बाद फिर टैपेट कैसे सेट करना है, क्योंकि खोल लिए है ना, तो टैपेट एक बार सेट करना पड़ेगा फिर से। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब इसके बाद टैपेट इसकी सेट करते हैं। ये वाल मेरे हिसाब से ज्यादा दब गई ना, हेड बना है तो इसको खोलना पड़ेगा पहले। सो इसको मैं खोलता हूँ, इसमें 18 नंबर लगते हैं मुझे लग रहा है कि। चलो मैं खोलता हूँ पहले। तो इसके बाद मैंने इसको सेट कर दिया, इसको ढीला कर दिया। देखिए आप टैपेट सेट करने का तरीका देखिए, ये वाली वाल दब गई, ये वाली दब गई, तो इसको गैप चेक करना है इसका। देखिए ये इतना गैप है, ठीक ये, और अब इसी तरह मतलब मैं इसको दबाऊंगा, इसका गैप चेक करूंगा। ये वाली वाल दब गई, ठीक, अब इसका गैप ये देखिए, ठीक। ऐसे ही टैपेट सेट किया जाता है। इसके बाद जो है मैं मोबाइल डालता हूँ, फिर तेल की सप्लाई पहुँचाते हैं। देखिए तेल आओ थे कि नहीं, हंडी लगा दो। कहाँ डाल रहा हूँ हंडी लिया, कहाँ है हंडी लिया, रखा ये रखा ये वो रखा, तार है ये कहना लाइट वाले, हाँ चल चालू कर, वैसे ये तो फंसाना चाहिए, ठीक। Thank you.
ठीक है बंद। घुमा 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 जल जाम है का यार। घुमा वाला नजल जाम है। नजल जाम है का बाइक मारा थे नजल जाम है कोलकाता के थे कहाँ नहीं हूँ एक दर चेक करूँ भला शायद स्टार्ट हो जाए ले ये ठहर ते पापा करी फोन आ बहुत कर रही ना। हाँ हाँ तैले पकता है पका इतने बार पक रखा है ये इतने पर पकड़ दोनों यह को यह करने से। हाँ हाँ पकड़े अच्छे से हैं गिरे ना ये वो ना गिरी। हाँ अच्छे से या आउ या इन्हें इतने ठीक लीला है ना। चलो दूरी चलो भागा मार नोजल जाम है वो नोजल जाम खोल के साफ कर दे। और तो इसे ढील कह दे बाद में चाहे हम टाइट कह दे कनेक्टर। घुमा 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 पानिया है साया। चल ले मैं स्टार्ट करता हूँ इतने पैया उठा था देख या कने पका। हाँ ये कने हाँ ठीक चला डूरी भागा हंडिल से नवा वाला हंडिल ले। फिर को अलग पड़ी का हैंडल निकाल हैंडल हैंडल तो वीडियो बनाऊं मैं अभी ये टाइट चल रहा है थोड़ा सा क्या है ना कि वो सिस्टम बदल गया। हेड बना ना तो सिस्टम पूरा जो है जा घर है देख घुमा फिर ही चलने लग ढील चलने लग। चल हट। हाँ ठीक तो माल ले था स्टार्ट के ले था की ना बता कहता चल मार फिर तमाम में। हाँ ले ढक्कन बंद कर ले जा देख देखा कौन सा है।
देखे वो वापसी मारे लागे। दोस्तों ये नोजल जो है यहाँ से जब लगाते हैं तो बैक मारता है, तो मैं बताता हूँ इसको क्या करना पड़ेगा। इसको पूरा ढीला करके फिर टाइट करते हैं, थोड़ा सा ले आओ बस। दोस्तों हल्का सा नोजल तो है, जाम है, पर बाकी जो स्टार्ट नहीं हो रहा उसका रीजन ये नहीं है कि नोजल जाम है। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्यों है कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। बहुत छोटा सा रीजन है जिसके कारण जो है स्टार्ट नहीं हो रहा, हालांकि नोजल का है तो उसको मैं इस बार और ढीला कर दूंगा ना, तो आ जाएगा वो जाम जो है। चलिए दूसरी रिंच लगा के खोलता हूँ पहले। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ढीला कर दिया है, देखिए ये यहाँ से जो है ना ये टपक रहा है, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टार्ट नहीं हो रहा इसका रीजन मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ कि इंजन जो है अभी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ था। बस छोड़ दे। तो दोस्तों इसमें मतलब होता क्या है, ये वो असर है, देखिए होता क्या है कि देखिए तेल भी दे रहा है और कंप्रेसर भी ठीक है, ठीक तेल भी दे रहा है कंप्रेसर भी ठीक है, फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो है ये वाशर डाली जाती है, ठीक, और वाशर अगर हल्का सा भी लीक हुई ना, मतलब दिखेगा नहीं और ना समझ में आएगा, ठीक। और ये अभी इसमें अभी जो मैंने स्टार्ट करके दिखाया आपको, तो इसमें यही समस्या है धागा वाली। भाई धागा लगा देंगे तो जो मतलब नोजल जब भी खोले ना तो धागा लगा के ही टाइट किया जाता है, पर मैंने सोचा कि अभी ये पूरा सेटिंग थी तो मैंने ये जो है लगा दिया, फिर देखा नोजल की समस्या। बस ये अब इतना ही काम था इसमें नोजल का। ये जो अगर मतलब आपको समझ लो कि अगर तेल भी देगा, नोजल तेल भी देगा और कंप्रेसर भी ठीक है, अगर यहाँ जो है हल्का सा नोजल से भी लीक है ना तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और अभी जो है यही समस्या थी। बाकी नोजल मैंने ढीला कर ही दिया है, सो चलिए अब फुर्सत हो गया, चलिए मैं इसको टाइट करता हूँ। आ जा सेट, तो मैं वीडियो बनाऊँ। चलने चलने दे 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 चलने।